हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सिनेमा क्रिटिक्स और गाइस अमेज़न प्राइम पर एक सीरीज आई है जिसका नाम है कॉल मी बे। गाइस इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड हैं और गाइस इस सीरीज में अनन्या पांडे दिखेंगी। और गाइस इस सीरीज को प्रोड्यूस किया है करण जौहर ने और गाइस ये सीरीज धर्मा प्रोडक्शन की है। और गाइस बहुत लोग अनन्या पांडे और करण जौहर का नाम देख के इस सीरीज को भले ना देखे, लेकिन गाइस इस सीरीज का प्लॉट और इस सीरीज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और गाइस ये सीरीज आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी। ये सीरीज टीनएजर्स को, यंग लोगों को और उनके पेरेंट्स को जरूर देखनी चाहिए। उन लोगों को बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगी और हमारी सोसाइटी के लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। स्टोरी की बात करें तो गाइस एक लड़की थी जिसका नाम था बेला यानी बे। वो बहुत ही ज्यादा अमीर थी। जब वो पैदा हुई थी वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुई थी, ऐसा समझ सकते हो। लेकिन गाइस उसकी जो शादी होती है वो बहुत ही ज्यादा उससे भी रिच फैमिली से होती है और वो बहुत कुछ अपने लाइफ में करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने किसी दूसरे की वाइफ बनने का सपना दिखाने लगते हैं और बाद में जाके उससे शादी भी करा देते हैं। और शादी के बाद वो जो उसका हस्बैंड होता है वो बहुत अमीर होता है और बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उसके, तो वो बिजनेस में ही फोकस करता है, वो अपनी मैरिड लाइफ पे बिल्कुल फोकस नहीं करता है। इसलिए बे एक दिन उसको चीट करती है और पहले ही दिन चीट करती हुई पकड़ जाती है। उसके बाद उसका हस्बैंड बे को घर से बाहर निकाल देता है और बे को जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपनी फैमिली की तो बे की कोई भी हेल्प नहीं करती, ना उसके बाप करते हैं, ना उसकी माँ करती है, ना उसका भाई करता है, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि अगर इसकी हेल्प करेंगे तो जो उसके हस्बैंड की फैमिली है वो नाराज़ हो जाएगी और उसके बाद जो उनके बिजनेस, उनकी वजह से जो उनको बिजनेस मिल रहे हैं वो सब बिजनेस नहीं मिलेंगे और उनका बहुत ज़्यादा घाटा होगा बिजनेस में। इसलिए उनकी गुलामी करने के चक्कर में, बिजनेस पाने के चक्कर में उन्होंने अपनी बेटी का साथ छोड़ दिया। लेकिन उसको एक ऑप्शन दिया गया कि अगर वो एलए चली जाएगी और वहाँ पे रहेगी तो उसको सब कुछ, उसकी सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन वो बॉम्बे में ही रहने का फैसला करती है और वहाँ पे किस तरह से जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग सर्वाइव करते हैं बॉम्बे जाके, वैसे ही वो भी सर्वाइव करती है। और गाइस आप सोचोगे भी नहीं कि इतनी अमीर लड़की किस तरह से नॉर्मल लाइफ जीती है, किस तरह से शेयरिंग अपार्टमेंट में रहती है, किस तरह से नए नए दोस्तों से दोस्ती करती है और किस तरह से वो जॉब ढूंढती है और उसके बाद किस तरह से वो जर्नलिस्ट बनती है और किस तरह से वो दूसरे लोगों का जो गलत गलत काम कर रहे थे सोसाइटी में उनका पर्दाफाश करती है, चाहे वो बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हो, एंकर हो या बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जो पूरी सोसाइटी को चूतिया बना रहे थे, पागल बना रहे थे अपने बिजनेस के लिए और बहुत ज़्यादा गलत गलत काम कर रहे थे, उन सभी का पर्दाफाश करती है बे। तो गाइस की सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि एक अमीर लड़की को जब उसके घर वाले उसको घर से निकाल देते हैं, उसका कोई साथ नहीं देता है, तो वो किस तरह से नॉर्मल लाइफ जीती है और नॉर्मल लोगों की तरह सर्वाइव करती है बॉम्बे जैसी सिटी में, सोसाइटी में जो हरामी लोग बैठे थे, जो लोग गलत गलत काम करते थे उनका पर्दाफाश करती है। किस तरह से एक लड़की वो अपने परिवार वालों पर डिपेंड थी, अपने हस्बैंड पर डिपेंड थी, लेकिन जब उसका सब लोग साथ छोड़ देते हैं तो कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनती है, ये एक लड़की कहानी है गाइस जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। गाइस ये सीरीज बहुत ज़्यादा लग्जरी है, बहुत ज़्यादा लैविश है कि जितने लोग हैं बहुत ज़्यादा फैशनेबल क्लॉथ पहनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लग्जरी जगह है क्योंकि बहुत ज़्यादा अमीर लोगों की कहानी है। और गाइस सीरीज में जितनी भी कास्टिंग है सब ने बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की और गाइस जो मेन कास्टिंग है उसके अलावा कुछ अलग से गेस्ट अपीयरेंस भी देखने को मिलेगा। जैसे गाइस इस सीरीज को आप फैमिली के साथ देख सकते हो, लेकिन गाइस इस सीरीज में एक दो किसिंग सीन है और कुछ भी नहीं है। गाइस इस सीरीज को पूरी फैमिली के साथ देखना चाहिए क्योंकि जो इसकी स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और जो पूरी सोसाइटी की जो सोच है उसको बदल सकती है और खासकर औरतों को ये सीरीज जरूर देखना चाहिए। और भाई ये सीरीज अमेज़न प्राइम पर इंडिया में नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रही है, तो भाई आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी सीरीज होगी। तो भाई ये सीरीज कॉल मी बे को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। तो भाई मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।